नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। महाराष्ट्र में आज कोरोना के 437 नए मामले, दो की मौत, तो वहीं एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 1956 पर। चारा घोटाले में लालू यादव की जमानत के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई शुरू। सदन में हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही शाम तक के लिए स्थगित। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गुरुद्वारे में दो लोगों की गोली मारकर की गई निर्मम हत्या। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से पश्चिम बंगाल के दौरे पर। सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उद्धव ठाकरे की राहुल गांधी को दी गई चेतावनी। तालिबान से तुलना करने से आरएसएस की छवि खराब हुई, जावेद अख्तर की याचिका पर बोली कोर्ट। राहुल के संसद सदस्यता जाने के विरोध में देश भर में हो रहा है उग्र आंदोलन। इसरो का सबसे भारी LVM3 रॉकेट हुआ लॉन्च, 616 होगी पृथ्वी के कक्ष में स्थापित सैटेलाइटों की संख्या। और भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने की खुदकुशी, मौत के एक दिन पहले ही आकांक्षा का वीडियो हुआ था वायरल। वाराणसी के एक होटल में लगाई फांसी, फिलहाल पुलिस जांच में जुटी।